YouTube में जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगता है, रिसर्च लगता है, टाइम लगता है कि वो सब्जेक्ट करेक्ट हो एंड उसके साथ जो फोटोज जाएंगे या वीडियोस जाएंगे वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने में वो करेक्ट हो, मतलब कंटेंट करेक्ट हो। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप ये वीडियो बना दो, वो वीडियो बना दो, टाइम लगता है। करेक्ट कंटेंट मिलने तक हमें वीडियो बनाने का इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा आपका चॉइस का, बट पेशेंस रखो और जो वीडियो हम बना रहे हैं ना वो जरूर देखना। आज एक यूनिक प्रोपोजिशन है, मतलब एक अलग सा बात करने वाले हैं। एक मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और एक बहुत ही सुंदर फिश फूड वाला वीडियो देखा मैंने, एक्वारिस्ट वर्ल्ड करके एक YouTube चैनल है। दो वेरी यंगस्टर्स प्रवेश एंड चरण चलाते हैं एंड उनका एक गोल्ड फिश फूड करके एक वीडियो था एंड कुछ डाउट्स थे मेरे को कि उन्होंने क्यों किया जो किया, क्यों किया। तो उनसे कांटेक्ट किया एंड उन्होंने कहा कि क्यों ना आप YouTube में ही रिव्यू बनाएं एंड लोगों को भी पता चले कि वो फिश फूड कैसा, कितना अच्छा है, क्या है या उसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। तो आज वो करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा ये सारी चीजें, गाजर, धनिया, कद्दू, मटर और ये एप्रन जो मैं पहना हुआ हूं। तो आज अपन फिश फूड बनाने वाले हैं, गोल्ड फिश फूड। जो नाउ एक और पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई अच्छा सा वीडियो है और आप यूट्यूब वीडियोज बनाते हो एंड जेन्युइन कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है या ईमेल कर सकते हैं एंड देखेंगे अगर हमें वीडियो पसंद आया तो एक कोलैबोरेशन जैसा या एक रिव्यू जैसा या कुछ भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपका कितना सब्सक्राइबर है, ये वो सब मैं देखने वाला नहीं हूँ। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, मैं ज़रूर कोलैबोरेट करूँगा एंड अगर उसमें से आपको प्रमोशन मिलता है तो आपका बेनिफिट है। ओके चलो वीडियो पे चलते हैं। वेलकम एवरीवन टू मयूर देव एक्वास्केपर चैनल। आई एम प्रवेश फ्रॉम एक्वारिस्ट वर्ल्ड और यहाँ सर ने मुझे एक मौका दिया है टू एग्जिबिट माय कंटेंट ऑन दिस चैनल और टू बी ऑनेस्ट इट इज नथिंग लेस देन अ गिफ्ट फॉर मी। तो चलिए सर से जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है मेरे काम के बारे में। अगेन आज जो वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं एक्वारिस्ट वर्ल्ड का, हाउ टू मेक गोल्ड फिश फूड एट होम फॉर ग्रूमिंग ब्रीडिंग एंड DIY गोल्ड फिश फूड एट होम, ये वीडियो है एक्वारिस्ट वर्ल्ड करके चैनल में है। उनका चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अगेन है, आप देख सकते हो, प्लीज जाके देखो वीडियो। नाउ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं अपना रिव्यू भी देने वाला हूं और बिट्स एंड पीसेस उनका वीडियो का भी दिखाने वाला हूं, तो मजा आएगा, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है एंड मैं जानता हूं आप मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी मैं करता हूं नया ट्राई करता हूं आप सपोर्ट करते ही हो, तो ये वीडियो भी सपोर्ट करो। नाउ ये नहीं बोलूंगा कि ये वीडियो उनका बनाने का स्टाइल या प्रवेश ने जो उनका बोलने का स्टाइल उस पर सब कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज आई थिंक इनका एफर्ट बहुत अच्छा है। और यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, रात के 3 बजे मैं मिक्सी चलाने की रिस्क ले रहा हूं, प्लीज लाइक जरूर कर देना इस बात पर वीडियो को। रात के 3 बजे मिक्सी चला रहा हूं घर पे। नाउ जो बंदा 3:30 बजे को वीडियो बना सकता है तो उसका पैशन है, हॉबी के तरफ भी पैशन है और वीडियो बनाने के तरफ भी पैशन है, तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। इनका एडिटिंग अच्छा है, क्वालिटी नीट है, बहुत सुंदर वीडियो बनाया है। नाउ फॉर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपको क्या क्या नीड होगा इस वाले फूड को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको गाजर चाहिए पड़ेंगी, कैरेट जिनको बोलते हैं, तो उनको आपको कुछ इस तरीके से छोटा छोटा सा कर लेना होगा जैसे मैंने करके रखा हुआ है यहाँ पे। और फिर एग्स चाहिए होंगे, पालक चाहिए होगी, स्पिनच इसको बोलते हैं, और ये जो पालक है इसको इसकी जो डंडी रहती है नीचे की ये अपन को हटानी होगी, सारी जितने भी आप यूज़ करें पालक सिर्फ पत्ते यूज़ करने हैं और ये जैसे ये पूरे मैंने रखे हैं पत्ते पूरे काट के इसके अलग से, तो ये ऐसे पालक यूज़ करनी है। और
और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी आपको मार्केट में मिल जाए आप वो सभी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने धनिया रखी हुई है, इसकी भी मैंने पूरी डंडी वगैरह हटा के रखी है। ये थोड़ी सी मेथी है, इसकी भी पूरी डंडी वगैरह हटा के रखी है। और फिर अपन को जो नीड रहेगा वो ये ग्रीन पीस रहेंगे, जो ग्रीन पी होती है मटर वगैरह, ये बहुत ज़्यादा नीड रहेगा। और ये जो ये लहसुन जो गार्लिक बोलते हैं अपन, ये भी नीड रहेगा बहुत ज़्यादा इसमें। और फिर ये जो मतलब कद्दू आता है मार्केट में, आपने देखा पंपकिन जिसको बोलते हैं अपन, ये भी चाहिए पड़ेगा। और स्प्रूनला टैबलेट्स स्प्रू लेना, और ये विटामिन ई की टैबलेट्स ये भी चाहिए होंगी, और एक मिक्सर चाहिए होगा, और श्रिम्प्स भी चाहिए होंगे, ये श्रिम्प्स, और जेलेटिन चाहिए होगा जिससे कि ये पूरा जो भी फूड अपन बनाएंगे वो एक जेल के फॉर्म में आए, तो जेलेटिन भी चाहिए होगा अपन को। और दोस्तों कोई भी वेजिटेबल लेने से पहले आपको एक मेक श्योर करना होगा कि जैसे कि मैंने ये पालक ली हुई है तो इसको आप अच्छे से वॉश कर लें, गर्म पानी में वॉश करना होगा आपको इसको, हॉट वाटर में, ताकि इसमें जो भी पैरासाइट्स बैक्टीरियाज वगैरह हों वो सब मर जाएं, और इसमें कुछ वॉर्म्स वगैरह के एग्स वगैरह रहते हैं खेतों में, तो वो सब भी जो एग्स वगैरह हैं वो सब भी खत्म हो जाएं इसमें, इसलिए इसको पहले गर्म पानी से धो लें अच्छे से। और एक चीज़ मेक श्योर रखें कि इसमें एक्सेस वाटर बिल्कुल लाएं बाहर का, जो भी इसमें पानी वगैरह लगा है तो इसको अच्छे से धो के फिर उसको ड्राई होने दें, थोड़ा इसके ऊपर कोई भी वाटर वगैरह नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको बाद इसको यूज़ करें, क्योंकि अगर वाटर वगैरह रहेगा तो उसके जो रॉट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, रॉटन हो जाएगी, जिस सड़ जाएगी अगर इसमें पानी का कंटेंटमेंट ज़्यादा हुआ फ्रेश वाटर। इसके अंदर जो इसके खुद का वाटर रहता है वो हार्म नहीं करेगा इतना जितना कि जो एक्सटर्नल वाटर रहेगा वो करेगा। नाउ इन्होंने इंग्रेडिएंट्स कुछ लिया है ये फिश फूड के लिए, इसमें वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स में पम्पकिन भी है और कैरेट भी है, गाजर। ये ज्यादा अच्छा होता अगर ये एक्सप्लेन करते कि व्हाइट पम्पकिन है कि येलो पम्पकिन, एंड गाजर जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये लाल वाला गाजर मिलता है, साउथ इंडिया में ऑरेंज वाला गाजर मिलता है, एंड आई एम श्योर उन दोनों में कुछ तो प्रॉपर्टीज डिफरेंस होगा ही, तो इसका एक पॉइंट अगर होता तो बहुत मजा आता। नाउ ये एक इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज ये एक फूड में वो अंडा भी मिक्स कर रहे हैं, श्रिम्प भी मिक्स कर रहे हैं, एंड वेजिटेरियन फूड भी मिक्स कर रहे हैं। नाउ ये एक जरूर ऑप्शन है, अगर कोई सिर्फ वेजिटेरियन फूड खिलाना चाहता है तो वो अंडा निकाल के श्रिम्प निकाल के वो वेजिटेरियन फूड ही यूज कर सके, एंड यू नो दोनों के लिए फायदा हो गया। बट हाँ, प्रोटीन वैल्यू कम होगा, बट गोल्ड फिश के लिए उतना ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए। तो ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात, और उन्होंने बार बार कहा है ये वीडियो में कि सिर्फ हफ्ते में एक दो बार खिलाए, हफ्ते में एक दो बार खिलाए, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रोटीन है। अराउंड आप इसको हर दो दिन में एक बार दे सकते हैं, या तो फिर हर दो से तीन दिन में एक बार दे सकते हैं, इसको डेली में नहीं देना, और डेली में दो बार तो बिल्कुल भी नहीं देना है, तो इसको मतलब एज अ ट्रीट देना है अपने फिशेस को, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन वगैरह रहे थोड़ा हाई रहेगा, तो इसलिए इसको सिर्फ एज अ ट्रीट देना है गोल्ड फिश को, उसकी ग्रूमिंग और उसकी ब्रीडिंग के लिए, तो इसको एज अ नॉर्मल फूड डाइट ना दें, इसलिए ये फूड अपना लंबा चलता है और सस्ते में, बहुत ज्यादा सस्ते में बनता है, ठीक है। एंड सिर्फ वेजिटेरियन पार्ट हफ्ता भर भी खिला सकते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव वैरायटी। मैं हमेशा बोलता हूँ फूड में वैरायटी होना चाहिए, तो वैरायटी यूज करो, ये भी यूज करो, बहुत अच्छा फूड है। नाउ इनका जो रेसिपी का कंकॉक्शन है, थोड़ा उसमें हल्का सा इश्यूज है, मैं बताऊंगा आपको कहां पे क्या प्रॉब्लम है, बट वो डिस्कस करने से पहले ये आप देखो, ये जो जेलेटिन का यूज किया है उन्होंने, ये थोड़ा मेरे को करेक्ट नहीं लगा, बिकॉज फोर्थ जनरेशन बेकर, मैं असली में बेकर हूं और बेकरी में ज्यादा जेलेटिन यूज होता है, तो जेलेटिन यूज करने के लिए थोड़ा सा जेलेटिन ले, हल्के से गर्म पानी में मिक्स करें, वो जेलेटिन को गोलने दें या डिजॉल्व होने दें, सॉफ्ट होने दें, मिक्स करके फिर बाद में आपके खाने के मिक्स में डालें, आई थिंक इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। ओके, दैट इज माय फीलिंग, ये मेरा फीलिंग है, एक्सपीरियंस से मेरा एक ओपिनियन है। एंड हाँ, इसको ये फूड को बार बार उन्होंने मिक्स किया है, बहुत जरूरी है कि ये अच्छा सा फाइन पेस्ट बन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको काफी बार मिक्सी चलाना पड़ेगा एंड उसको ये करना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मिस किया है कि ये फूड को आप ड्राई कर सकते हो, पूरा एक ट्रे में लगाओ, जैसे हम पापड़ वगैरह सुखाते हैं धूप में, वैसे सुखा दो, काफी हद तक वो थोड़ा छोटे छोटे गोले या पाउडरिश शेप बनेंगे, या बेटर है कि जितना पानी हो सके निकालो, यू नो, एंड सो एक रफ फीलिंग आएगा, वो सुखा सकते हैं एंड उसको फ्लेक्स जैसा बना सकते हैं और फिश को खिला सकते हैं, वो भी चलता है। नाउ इन्होंने फिश फूड बहुत सुंदर बनाया, एक वो छोटे से जिप लॉक पैकेट में डाला है,
यू नो, बट आई बिलीव कि और भी मेथड्स है. आप अपने आइस क्यूब ट्रे में लगा सकते हो, छोटा छोटा क्यूब बनेगा. और भी सिंपलर मेथड, सी हर किसी के घर में मेडिसिन का स्ट्रिप आता है, यू नो, प्लेन मेडिसिन का स्ट्रिप, जो भी मेडिसिन का स्ट्रिप, अगर ये मेडिसिन निकल जाए तो ये खाली होता है, ये खाचा है, ठीक है. तो ये जो है, अगर जब खाली हो गया, घर में कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग है, दवाई ले रहे हैं, ये प्लास्टिक का खाली हो गया, तो इसके अंदर भर सकते हैं, यू नो, फिश फूड को इसके अंदर भर के फ्रिज में लगा सकते हैं, फ्रीजर में लगा सकते हैं. मेजर्ड क्वांटिटी मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब 1-2 ग्राम मेजर्ड मिलेगा. एंड यू नो, यू कैन इवन फीड फॉर स्मॉलर फिश, एंड ये इजी टू हैंडल. अगेन, ऐसा पॉप करो, एक गोली जैसा निकलेगा, आप डाल सकते हैं. एंड बेस्ट पार्ट, प्लास्टिक है, रीयूज हो गया, एंड ऑफकोर्स आपने अपना एफर्ट डाला एनवायरमेंट के तरफ. ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इन्होंने यहाँ पे विटामिन ई यूज किया है, टैबलेट यूज किया है, और स्पिरुलिना टैबलेट्स, स्पिरुलिना, और ये विटामिन ई की टैबलेट्स, ये भी चाहिए होंगी ना. एंड ये भी कहते हैं कि 6 मंथ्स के लिए ये फूड चलेगा. तो ये 80 रुपीज की पड़ी थी, और ये फूड जो मैं बनाऊंगा आज, ये मेरा अराउंड 5-6 मंथ्स आराम से चल जाएगा. तो इतना सस्ता पड़ा था ये वाला फूड. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये विटामिन ई टैबलेट का पोटेंसी या ताकत या लाइफ कुछ 2 महीना ही है. अगर ऐसे खाने में मिक्स हो जाए, एंड अगर वो फ्रिज में रखे या फ्रीजर में रखे, उसका लाइफ कुछ 2-3 महीना ही है. सो अगर यू नो, ऐसा मिक्स करते हैं, खाने में डालते हैं, एंड यू नो, पैकेट बना के फ्रिज में डालते हैं, तो उसका लाइफ 2-3 महीना, 3 महीना टॉप्स, उससे ज्यादा इसका लाइफ रहता नहीं है, वो पोटेंसी चला जाता है. तो 4-4 महीने में शायद हो सकता है कि वो विटामिन ई का जो असर होना चाहिए बॉडी पे, वो होता नहीं है, या फिश पे. सो आप खाना, मेरे हिसाब से यही खाना आप सिर्फ महीने के लिए बनाए, स्मॉल क्वांटिटीज बनाए, एवरी मंथ बनाए. इंग्रेडिएंट फ्रेश होता है, ज्यादातर फ्रीज होने की जरूरत नहीं है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उन्होंने जो पीज यूज किया है, ग्रीन पीज या वटाना जो यूज किया है, और फिर अपन को जो नीड रहेगा वो ये ग्रीन पीज रहेंगे, जो ग्रीन पी होती है, मटर वगैरह, ये बहुत ज्यादा नीड रहेगा. और यू नो, मटर जो यूज किया है, मेरे को नजर आया कि उन्होंने बॉयल करके छिलका निकाल के यूज किया है, बट उन्होंने वीडियो में कुछ बोला नहीं है. सिमिलरली जो श्रिम्प यूज किया है, उन्होंने पहले पानी में भिगोया होगा, नहीं तो वो वैसा पेस्ट नहीं बनेगा. ड्राई श्रिम्प पाउडर बनता है, पेस्ट नहीं बनता. तो अगर पानी में नहीं भिगोया होता तो पेस्ट नहीं बनता. सो शायद वो भी पार्ट मिस हो गया है, बट स्टिल आइडिया तो आता है. ओके, नाउ इसमें बहुत 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 जरूरी पॉइंट है. ओके, ये बोलते हैं कि ये डीवर्मिंग का भी फूड है. नाउ गार्लिक अगर आप होल यूज करते हो तो डीवर्म नहीं करता है, सिर्फ इंटरनल पैरासाइट मारता है. गार्लिक का एक्सट्रैक्ट आता है, एलिसिन करके एक्सट्रैक्ट आता है. अगर वो सिर्फ एलिसिन एक्सट्रैक्ट यूज करे तो वो डीवर्मिंग में काम आता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड. थोड़ा टेक्निकल है, बट होल गार्लिक यूज किया है तो डीवर्मिंग नहीं करेगा ये. ओके, दूसरी बात, आई थिंक बेबीज या फ्राइज, गोल्डफिश फ्राई के लिए आप अगेन हफ्ते में एक बार यूज करें, रेगुलर यूज ना करें. बहुत प्रोटीन है, एंड फ्राइज के लिए शायद उतना खास नहीं है. अगेन, जैसे वीडियो में बार बार बोला गया है, ये फिश फूड को हफ्ते में 1-2 बार ही यूज करें, उससे ज्यादा नहीं. बहुत प्रोटीन ज्यादा है, एंड 1-2 बार से ज्यादा यूज करना फिश के लिए हानिकारक हो सकता है. नाउ ये खाना उन्होंने भी स्पेसिफाई किया है कि गोल्ड फिश ब्रीडिंग ग्रूमिंग के लिए है. आप रेगुलर फिश के लिए यूज ना करें, बिकॉज जो विटामिन ई क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, एंड फैटी फिश या बल्की फिश के लिए अच्छा है. तो गोल्ड फिश, कोई फिश चलेगा, बट अगर आप कोई दूसरा फिश जो फैट नहीं है, मतलब पतला है, बाब्स या टेट्राज में अगर यूज करें तो फिश मर जाएगा, विटामिन ई पॉइजनिंग हो जाएगा. तो ये अगेन गोल्ड फिश के लिए ही यूज करें. गोल्ड फिश ब्रीडर्स, गोल्ड फिश यू नो कीपर्स, ये यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा फिश के लिए अच्छा नहीं है. एंड अगर आप जैसे प्रवेश भाई ने किया है वीडियो में, प्लास्टिक बैग में डालने वाले हैं, तो ओवर ज्यादा मत करें, थोड़ा डाल के उसको प्रेस करें, नहीं तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. नाउ ये बात इंपॉर्टेंट है, जरूरी ध्यान रखो कि अगर आपको श्रिम्प ना मिले, ठीक है, तो अर्थवर्म्स यूज कर लो, ठीक है,
ब्लैक सोल्जर फाइव फ्लाई लार्वे यूज कर लो या सिल्कवर्म लार्वे यूज कर लो, सुपर सुपर वर्म्स यूज करो, वो सब चलता है, नॉट एन इशू, ठीक है, नॉट एन इशू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये बात मैं बहुत एम्फसाइज करता हूं या बहुत जोर लगाने वाला हूं ये बात पे कि दही, पनीर, चीज, बटर, घी, दूध मत डालो, ओके? बिकॉज बहुत लोग मेरे को मैसेज करते कि मैं अपने गोल्ड फिश को पनीर खिलाता हूं। बस ऑल फिश, मतलब ऑल फिश, जितने भी दुनिया भर के मछली है वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, मतलब कोई भी दूध वाला प्रोडक्ट अगर वो खाएंगे, गाय का दूध वाला प्रोडक्ट अगर वो खाएंगे तो अंदर गैस होगा और फिश का सिस्टम का बैंड बजेगा। तो कोई भी दूध वाला चीज मत खिलाओ। और हां, ब्रेड, आटा, चपाती, कोई भी मैदे वाला चीज, बिकॉज ग्लूटेन भी उनके लिए अच्छा नहीं है। ग्लूटेन अलग, जेलेटिन अलग। ग्लूटेन अच्छा नहीं है, जेलेटिन नो प्रॉब्लम, ओके? जेलेटिन भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आता है, देख के आप ले सकते हो। अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना बना रहे हो तो वेजिटेरियन जेलेटिन यूज करें, एंड अगर आपको नॉन वेजिटेरियन से प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉन वेज जेलेटिन यूज करें, नो प्रॉब्लम, ओके? नाउ ये सब मेरा ओपिनियन है, बट अगेन मैं कहता हूं ये जो रेसिपी है, ओके? वो लास्ट में उन्होंने वीडियो के लास्ट में रेसिपी दिया हुआ है, मैं भी शेयर कर रहा हूं। ये रेसिपी बहुत ही अच्छा रेसिपी है, गुड क्वालिटी रेसिपी है, कॉस्ट इफेक्टिव रेसिपी है, महंगा नहीं है। इनका पूरा कॉस्ट इन्होंने वीडियो में समझाया है कि कुछ 80 रुपीज हुआ 6 महीने का खाने के लिए। आप 40 रुपीज का सिर्फ 3 महीने का या 20 रुपीज में 1-2 महीने का खाना बनाइए, एंड थोड़ा थोड़ा बनाइए, एंड बार बार बनाइए, जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है? ये जो फ्रीजर वगैरह है ये इंसानों के लिए है, ठीक है? एंड यू नो, खाना फ्रेश हो तो हेल्थी ज्यादा, सो बेटर टू मेक फ्रेश। हफ्ता 10 दिन के लिए बनाइए, 15 दिन के लिए बनाइए, इट्स अ गुड थिंग टू डू, ओके? नाउ आप इतना भी स्ट्रिक्ट ना हो ये रेसिपी के ऊपर, एंड यू से अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे को पम्पकिन नहीं मिला, ये नहीं मिला। बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है इस रेसिपी में वो है पीज एंड गार्लिक, बिकॉज पीज इज वेरी गुड फॉर द गोल्ड फिश, बिकॉज वो स्विम ब्लैडर वगैरह का यू नो हेल्थी रखता है। गार्लिक अगेन इंटरनल पैरासाइट्स, जनरल हेल्थ। एंड फॉर एग्जाम्पल समझो पम्पकिन नहीं मिला तो कैबेज यूज कर लो, उससे बेटर क्यूकम्बर यूज करो, ककड़ी इज वेरी गुड, सीड्स निकालो, सिर्फ ककड़ी का जो पल्प रहता है यूज करो। एप्पल यूज करो, अगेन सीड निकाल के एप्पल यूज करो, ओके? दिस आर ऑल गुड गुड स्टफ, ओके? एंड अगेन थोड़ा होमवर्क करो, देर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन दैट यू कैन यूज एंड गुड फन, ओके? तो ये अच्छा है, आइडिया अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड आई मीन आई वॉन्ट टू थैंक प्रवेश एंड चरण फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू उनका वीडियो लेके मैं ऐसा एक रिव्यू बना के आप सबको दिखा सकूं, ओके? ये उनका बड़प्पन है, बड़ा दिल वाले हैं, बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं कहते कि यू नो हमारा रिव्यू बनाओ, और बिकॉज उसमें गलत सही हो सकता है, ठीक है? तो कोई भी ऐसा बोलते नहीं, दे आर वेरी जेन्युइन हॉबीज एंड आई लाइक दिस अप्रोच। उनका एटीट्यूड बहुत पसंद आया मेरे को, बहुत मजा आया मेरे को इनके साथ काम करते हुए, एंड मैं जरूर उनके साथ और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, डेफिनेटली बनाऊंगा। एंड अगेन उन्होंने भी मेरे लिए एक वीडियो बनाया था, आपने उनके चैनल में देखा होगा, ब्यूटीफुल वीडियो। एंड ऑफ कोर्स मेरे तरफ से मैं आशा करता हूँ कि आपने ये भी वीडियो देखा, एंजॉय किया, मजा लिया, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया समझने को मिला। एंड ऑफ कोर्स आप अगर मेरे साथ कुछ वीडियो बनाना चाहते हो, कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो आप अपना वीडियो मेरे को शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से, एंड ऑफकोर्स प्रवेश भाई एंड चरण एक्वेरिस्ट वर्ल्ड टीम की तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बिकॉज मेरे पास ये है, ये क्या है, ये एक्वेरियम हॉबी का सबसे बड़ा स्कैम है, इसको बोलते हैं एक्वेरियम सीड्स। नाउ ये कितना बड़ा स्कैम है बहुत जल्दी देखेंगे, ओके? बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू करना चाहता हूँ मयूर सर और उनकी टीम का फॉर गिविंग अस दी ऑनर ऑफ फीचरिंग ऑन हिज चैनल। मयूर सर के जो स्केप्स और वीडियोस होते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं मुझे और मेरे और भी मेरे जैसे हॉबिस्ट को। सच में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियोस एंड स्केप्स रहते हैं, जो उनके स्केप्स रहते हैं उनसे एक फीलिंग से जुड़ जाती है, सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर, अच्छे, मतलब एक
बहुत ज्यादा प्लीजिंग स्केप्स करते हैं मयूर सर, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उनके सारी स्केपिंग्स की वीडियो सारी वीडियो देखता हूँ उनके चैनल की, आई रियली लाइक डिट। वैसे तो मैं मयूर सर से उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में ही बहुत ज्यादा छोटा हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे दिल से उनको गुड लक और हैप्पीनेस विश करना चाहता हूँ फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो सर गुड लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड वीडियोस, और एक स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं पूजा मैम को फॉर गिविंग अस द गाइडेंस एंड हर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस कोलैबोरेशन। सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग सो नाइस टू अस एंड थैंक यू।